सर अगर हम किश्तवाड़ के पलमाड़ एरिया की बात करें, जहां कुछ दिन पहले गौ कृषि की वीडियो और फोटोग्राफ वायरल हुए थे सोशल मीडिया पे, जिसके चलते किश्तवाड़ के अंदर लगभग माहौल भी खराब होता जा रहा है, तो इस पे सर किश्तवाड़ पुलिस क्या कुछ इकदाम उठा रही है और क्या कुछ कार्रवाई अभी तक आपने की है? सर सबसे पहले मैं इसमें आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये बात 31/8/2021 की है कि दो कुछ फोटोग्राफ जो थे वो वायरल होना शुरू हुए व्हाट्सएप पे और फेसबुक सोशल साइट्स पे होना शुरू हुए। जैसे ये हुए तो हमने सबसे पहले उसमें कॉग्निजेंस ली, FIR वगैरह जो था उसमें हमने रजिस्टर किया, फिर अपनी टेक्निकल टीम्स के थ्रू ये पता करने की कोशिश की कि ये किस जगह के हो सकते हैं, तो थोड़ा हमारे अपने रिलायबल सोर्सेज थे उनसे ये चीज़ पता चली कि ये पलमाड़ एरिया के हैं। स्पॉट हम लोगों ने विजिट किया वहाँ पर जाके, स्पॉट विजिट करने के बाद वहाँ पर देखा गया कि उस एरिया में उन दिनों दो तीन घरों में शादियाँ भी थी, तो काफ़ी सारे बंदे जो थे वो हमारे सस्पेक्ट के दायरे में उसी वक्त से आना शुरू हो गए। तो उसी दिन से हम लोगों ने यहाँ पे, क्योंकि पर्चा ऑलरेडी लग चुका था, तो सस्पेक्ट्स को हमने पिकअप किया, उनको सस्टेंड इंटेरोगेशंस की, और इंटेरोगेशंस के दौरान ये पता चला कि ये जो मसला था जो वहाँ पे कार केसेस वगैरह ये वगैरह अवेलेबल जो वहाँ पे जो मिले थे, ये बेसिकली कुछ बंदे थे जिनका नाम मैं अभी आपको बताऊँगा कि उन लोगों ने इस तरह का जो ये चीज़ की थी, उन बंदों के जो नाम थे बेसिकली, और उनको हम अरेस्ट भी कर चुके हैं, उनमें सबसे मेन था नज़ीर अहमद शाह और उसका बेटा फारूक अहमद शाह, दो और बंदे थे मोहम्मद इसराइल और साथ में भाग हुसैन। लास्ट में जब फर्दर हमने इसको और इंटेरोगेट किया तो इसमें एक और बंदा हमारा जो था लतीफ़ का भी पता चला। तो कुल मिला के ये टोटल 5 बंदे थे जिन लोगों को हम लोग अरेस्ट कर चुके हैं आज डिस्ट्रिक्ट पुलिस किश्तवाड़। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि राइट फ्रॉम 31/8/2021 से हम लगातार लगे हुए थे और आज जो है हम लोगों ने इस केस को पूरी तरह से कंक्लूड कर दिया है और बंदे जो हम लोगों ने अरेस्ट कर दिए। मजीद इसमें फिर भी आगे चल रहा है कि कुछ अगर और भी कोई बंदा इसमें निकलता है तो उसको अरेस्ट किया जाएगा। सनातन धर्म का पलमाड़ है, उनकी ये मांग है और आज वो भी आपसे मिले थे कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, किस तरह की कार्रवाई करें और कौन कौन सा ऑफेंस आपने बताया? सर जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ क्योंकि इसमें तो जो भी पर्चा लगा था वो बेसिकली लगा है सोशल साइट्स के जरिए जो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हुई थी। मजीद जब इसमें फर्दर इंटरोगेशन जब हम लोगों ने उन सस्पेक्ट्स का किया गया और इन्वेस्टिगेशन फर्दर जब चली इसमें, तो उस दौरान जो थे उसमें कुछ और ऑफेंस ऐड हुए हैं जिससे कि वहाँ की जो ब्रदरहुड है उसको अफेक्ट किया जा रहा था जहाँ हो सकती थी, तो उसी के मुतल्लिक हमने वहाँ पर जो है कुछ और जो ऑफेंस इसमें ऐड किए हैं और इन लोगों को अब हम फर्दर और इन्वेस्टिगेशन में चलेंगे। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने किश्तवाड़ की आवाम का कि उन लोगों ने इस तरह का जो यहाँ पे जो इशू हुआ था अपनी ब्रदरहुड जो थी वो मेंटेन रखी और हम लोगों को भी उन लोगों की वजह से एक टाइम मिला ताकि हम बेहतर से बेहतर यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर सकें और उसी की बदौलत हम जहाँ पॉसिबल हुआ। और मैं अब लोगों को ये कहना चाहता हूँ ये कुछ लोग होते हैं, चंद अशखास होते हैं हमारी सोसाइटी में जो इस तरह की हरकत करते हैं और जहाँ की जो ब्रदरहुड होती है उसको वो कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हम उसको इम्पैक्ट कर सकें। बट मेरी रिक्वेस्ट रहेगी इन लोगों से कि हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, जैसे मैंने एक बार पहले भी आपको बताया था, यहाँ ऑलरेडी एक पर्चा पहले भी लगा था डूल में, उसमें भी ये चीज़ मैंने क्लियर की गई थी, जो इस तरह के शरारती तत्व होते हैं उनके मनसूबों को हम CRP से ही तोड़ते हैं, CRPC से। और इस दौरान भी हमने इस वाले FIR में भी और इस दौरान की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें भी हम लोगों ने वैसा ही किया। मेरी उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वो अपनी ब्रदरहुड है वो बिल्कुल मेंटेन रखें, ये कुछ तत्व हैं तो उनको हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया है। और सर सनातन धर्म सभा की ये भी डिमांड थी कि जो यहाँ किश्तवाड़ में जो दूसरे मजहब के लोग हैं, मुस्लिम तबका के जो लोग हैं, वो भी इस मसले पे कंडम करें, लेकिन आज पलमाड़ में एक सीरत कमेटी के नाम से उन्होंने भी इस मसले में कंडम किया है, तो इस पे आप देखिए सर, मैं जैसे आपको पहले बता चुका हूँ कि यहाँ के लोग जो हैं वो अपने भाईचारे के लिए जाने जाते हैं और मुझे भी बड़ी खुशी की बात है, हमने भी सोशल साइट के जरिए ये चीज़ देखी है कि हमारे जो यहाँ पलमाड़ की सीरत कमेटी है उन्होंने इसको कंडेम किया है और ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। इसी इन चीज़ों की वजह से ही हमारी जो सोसाइटी है बहुत बेहतरीन तरीके से किश्तवाड़ में चल रही है। और मेरी आगे भी रिक्वेस्ट रहेगी, हमारी इल्तजा रहेगी यहाँ की जो जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं यहाँ पर जो रहती हैं वो पीसफुली जैसे रह रही है वैसे रहेंगी। हाँ, जो लोग यहाँ के इस तरह के होंगे कि जहाँ की जो ब्रदरहुड को अपनी हारमोनी को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, तो मैं पहले भी जैसे बता चुका हूँ कि उन लोगों को के जो मंसूबे हैं उनको